हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुबीन ए मुंडेवाड़ी मुंडेवाड़ी आयुर्वेदिक क्लिनिक से। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको संधिवात बोलते हैं। संधिवात या रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये काफ़ी सीरियस बीमारी है, इसको हल्के में लेना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी की प्रतिकार शक्ति अपने ही खिलाफ काम करती है। तो इसमें अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो आगे चल के बीमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है और पूरे जॉइंट्स ख़राब हो सकते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड हो सकते हैं। इसके लिए इसका ट्रीटमेंट जितना जल्दी हो सके करना चाहिए। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में इसके लिए सूजन, दर्द, जो लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट है वगैरह, ये सब चीज़ों के लिए दवाई अच्छी तरह से की जा सकती है। काफ़ी हाई डोज में दवा देनी पड़ती है। इसके अलावा जड़ से पूरी बीमारी जाने के लिए पंचकर्मा कुछ करना पड़ता है। इसमें अलग अलग टाइप के पंचकर्म किए जा सकते हैं। सबसे ज़्यादा इसके अंदर बस्ती चिकित्सा जो है वो ज़्यादा काम करती है, और ये सब ट्रीटमेंट जो है कॉम्बिनेशन में दिया जाने के बाद 6 से 8 महीने में, या बहुत ही ज़्यादा सीवियर केस है तो 10 या 12 महीने के अंदर ये बीमारी को पूरे अच्छे तरह से ट्रीट किया जा सकता है, पूरे सिम्टम्स कंट्रोल किए जा सकते हैं, रिमिशन में जा सकता है पेशेंट। और इसको पूरा सही ढंग से अगर फॉलो किया जाए, सब इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए जाए, तो फिर से ये रिलैप्स नहीं होगा पूरी तरह से, जिसको बोलते हैं जड़ से जाना। इस तरह से ट्रीटमेंट इसका किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट ये बहुत इफ़ेक्टिव है, और इसका इस्तेमाल जितने जल्दी हो सके किया जाना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।